5:30 बजे यहाँ पुलिस आ गई थी। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि 5 घंटे बाद जब कांग्रेस के साथियों ने यहाँ धरना दिया, तब कांग्रेस के लोगों को क्यों बुलाया गया? तो ये एक शक की गुंजाइश पूरी पूरी है और पूरा संदेह है कि पुलिस मदन कौशिक मंत्री के प्रभाव में, शासन के प्रभाव में दोषियों को बचाने का काम कर रही है और दोषियों को बचा रही है। क्योंकि जो हमारे साथी भी अंदर गए थे तो वहाँ पर उन्होंने ये पाया कि एक दूसरा कमरा भी है जो बंद है, अगर उसको खोलने की बात कही तो सिटी मजिस्ट्रेट चली गई, इसको मैं नहीं खोलूँगी। आपने यहाँ बताया था, हमने तो कुछ भी नहीं बताया, हम बताने वाले कौन होते हैं? हमने घर में घुस को अंदर देखा, हमें जो सूचना मिली वो पुलिस के बाद मिली। तो पहली जिम्मेदारी पुलिस की थी कि पुलिस हमारे आने से पहले ही उसको देखती, पकड़ने का काम करती, और अगर पुलिस ने देख लिया था और नहीं आई थी तो हमको शुरू में ही बता देना चाहिए था। हमको यहाँ क्यों बैठाया, क्यों सिटी में स्टेट लाने का नाटक किया गया? ये 100% का सवाल है और ये हमारा सीधा सीधा आरोप है कि पुलिस मिली हुई है, मंत्री के दबाव में काम कर रही है, शराबियों को बचा रही है और सारे जो आचार संहिता उसकी धज्जियाँ ये उड़ाई जा रही हैं खुलेआम, कोई देखने वाला भी उसको नहीं। ये चुनाव निष्पक्ष होंगे, इस पर हम लोगों को पूरा पूरा संदेह है और इस बारे में भी हम आप आज ही अपनी जो रणनीति है उसको तय करके और फिर उस पर आगे काम करेंगे। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे और अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर जो आंदोलनात्मक कार्रवाई होगी उसको भी करेंगे। यहाँ पर मुझे इंस्पेक्टर साहब का फोन आया था, जिसमें मैं तुरंत यहाँ पर जैसे उनका फोन आया तो हम आ गए हैं, और उसके बाद जिस में शिकायत थी जिस मकान में उसका ताला मेरे सामने खोला गया है तो देखा लोगों ने सर्च किया है, इंस्पेक्टर भी थे, एक्साइज इंस्पेक्टर भी हैं, तो यहाँ CO साहब भी थे, तो यहाँ कुछ नहीं मिला है। यही था कि वो यहाँ पर कुछ ऐसा अवैध इलीगल कुछ शराब रखी गई है, मतलब वीडियोग्राफी कराई गई है पूरे उसकी, मुझे जैसे ही सूचना मिली है। देखिए, ये सूचना मिली थी कांग्रेस पार्टी की ओर से, किसी ने सूचना दी थी कि इस यहाँ एक फ्लैट में, एक कमरे में जो है इस में कुछ अवैध रूप से शराब रखी हुई है चुनाव के संबंध में। इस पर जो है सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को बुलाया गया, उनके सम्मुख जो है ये ताला तोड़ा गया और ताला खोला तो अंदर कुछ भी सामान, कुछ भी शराब के नाम पर एक बोतल भी शराब की नहीं मिली है। नहीं, सरकार के इसमें कभी कहीं कोई किसी दबाव में नहीं है। जैसे ही सूचना मिली पुलिस पहुंच गई थी और पुलिस पहुंचने के बाद जो है सिटी मजिस्ट्रेट मैडम को कॉल की गई। नहीं, आक्षेप किसी पे भी नहीं है। नहीं, ये आरोप जो लगे हैं, इन आरोप के संबंध में मुझे अक्सर इसलिए जानकारी नहीं है कि मेरी इसमें नाइट चेकिंग थी और मैं नाइट चेकिंग में निकला था तो यहाँ भीड़ देख के मैं आया हूँ, और मेरे सामने जब मैं आया तो यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट महोदय यहाँ मौजूद थी और उन्हीं के सामने, मेरे सामने उनके सामने ताला तोड़ा गया, तो इसमें कोई भी नहीं निकला।